बर्थडे पर दोस्त का केक काटा फिर गला काटा। राजनांदगांव में दिन दहाड़े हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक आरोपी को नशे में नीचा दिखाता था, यही थी हत्या की वजह। राजनांदगांव शहर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास व्यस्तम मार्ग पर अपने ही मित्र की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर देने का फरार आरोपी पुलिस टीमों की तलाश के बाद खेरागढ़ में पकड़ा गया है। इस सनसनीखेज घटना की वजह ये थी कि मृतक नशे की हालत में अक्सर उसे नीचा दिखाता था, मारता था। खास बात ये भी है कि आरोपी ने अपने हमरुम दोस्त को अपने जन्मदिन के मौके पर ही क्रूरता पूर्वक मौत की घाट उतार दिया। घटना के पहले दोनों ने एक साथ दारू पीकर एंजॉय किया था। कल दोपहर 3 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र में महारानी स्कूल के पास सोनू पटेल नामक युवक की हत्या हो गई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि इसकी हत्या इसके ही दोस्त मनीष वर्मा ने की है और वो भाग गया था। तो पतासाजी में खैरागढ़ में पाया गया। खैरागढ़ पुलिस की मदद से मनीष वर्मा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में उसे जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में ये पता चला कि ये दोनों आपस में दोस्त थे, मृतक सोनू पटेल और आरोपी मनीष वर्मा। मनीष वर्मा का एक दिन पहले जन्मदिन भी था, तो ये जन्मदिन की पार्टी मनाते हुए भट्टी से शराब पी के घूम रहे थे और अचानक ही इनका वाद विवाद हुआ। तात्कालिक वाद विवाद में आवेश में आके मनीष वर्मा ने सोनू पटेल की हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पुलिस रिमांड पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।